महादेव कहते हैं कि तुम सब्र करना, जो तुम्हें समझ ना सके तुम उसे समझना छोड़ दो, जो तुम्हें समझ सके उसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इंसान का स्वभाव इस तरह का है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर किस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। कड़वा है पर सत्य यही है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर ये पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ़ कर दो, उसके लिए नहीं खुद की खुशी के लिए, क्योंकि याद रखने से केवल आपको दुखी होगा। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। महादेव कहते हैं, जब तक किसी लक्ष्य के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते तब तक लक्ष्य प्राप्ति से संशय बना रहता है। परेशानियां ज़िंदगी में नहीं हमारे मन में है। जिस दिन हमने मन पर विजय पा ली जिंदगी अपने आप सवर जाएगी। भाग्य से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। किसी की निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में आकर टूट जाएं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। खुश होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है, इसका मतलब है कि आपने अपूर्णताओं से परे देखने का फैसला किया है। जख्म भी भर जाएंगे, चेहरे भी बदल जाएंगे, तो करना याद महाकाल को। तुझे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महाकाल नजर आएंगे। महादेव कहते हैं, कष्ट विपत्ति और संकट यही जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कहाँ कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास ज़रूर मर जाता है। घर के अंदर जी भर के रो लेना पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका भी भरकर फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना। रिश्तों में जब झूठ बोलने की शुरुआत हो तब समझ लो रिश्ते का अंत नज़दीक है। कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं, उनके साथ आप बेशक कितना ही प्यार कर लो वह कभी आपके साथ नहीं होते। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में
रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता, लाख निभाओगे रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन की, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छाइयां। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर हो जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपके जैसे तो बनना चाहते हैं पर आपको पसंद भी नहीं करते हैं, है ना आश्चर्यजनक। सारा ब्रह्मांड झुकता है जिसकी शरण में, मेरा प्रणाम है उस महाकाल के चरण में। बने उस शिव जी के चरणों की धून, आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। महादेव कहते हैं कि मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है और ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा है अकेले रहो। कम से कम सुकून तो इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में ये असूल बनाने हैं, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज़्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमज़ोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयाँ सौंप देते हैं। कोई मेरा बुरा करे, ये कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूँ, ये धर्म है मेरा। देख लिया ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, अच्छे के साथ अच्छा बने और बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। वही सुखी, वही निराला, वही किस्मत वाला, जिसका देवों के देव महादेव हो रखवाला। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।